कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी केस्को में हुए 1.68 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल स्वाट व सर्विलांस टीम ने कर दिया है। साइबर सेल की टीम ने अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए करीब 90,50,000 रुपए की बरामदगी की गई है। अब तक की जांच के कुछ और नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग अलग जनपदों में दबिश दे रही हैं। खुलासा करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड द्वारा 1-1 लाख रुपए 2 इनाम देने की घोषणा की है। 22 जुलाई को मुकदमा लिखे जाने के बाद पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने मामले की जाँच शुरू की और 1-1 तार जोड़ना शुरू किया। इससे सामने आ रही जानकारियों पर साइबर सेल समेत पुलिस की 4 टीमों को मेरठ, बागपत और उसके आसपास के शहरों में भेजा गया। वैज्ञानिक व केस्को इलेक्ट्रॉनिक के साक्ष्यों के आधार पर हुए जांच में यह साफ हो गया कि यह काम हैकर्स का। हैकर शहर 1-2 घंटे बाद केस्को के गेटवे के URL में छेड़छाड़ करके ऑनलाइन जमा हो रही धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे थे। यह खाता ICICI बैंक के जनपद बड़ौत की शाखा में केस्को इलेक्ट्रॉनिक के नाम से खुले करंट अकाउंट में भेजा और वहीं से निकाला जा रहा है। यह करंट अकाउंट बागपत निवासी सुमन पत्नी योगेंद्र के नाम पर खुला है। पूरे खेल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रमुख भूमिका है, जिसने गेटवे का URL चेंज कर पैसा ट्रांसफर किया। रंजय भैया आप ऐसे रंजय भाई यार तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, ऐसे लगे रंजय भाई मोशन सा मिला। हाँ पीछे आइए आप। अरे इसको द्वारा थाना ग्वालटोली में 409 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो केस्को का ICICI बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे मेंटेन किया जाता है और केस्को की वेबसाइट पे जाके जो उपभोक्ता अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं, उसके रिकंसिलिएशन में केस्को को कुछ धनराशि अप्राप्त होने की शिकायत मिली थी। ICICI बैंक का ये पेमेंट गेटवे था, तो मूल रूप से जो मुकदमा ग्वालटोली थाने में लिखा गया था वो ICICI बैंक के विरुद्ध लिखा गया था, उनके प्रबंधकों के विरुद्ध लिखा गया था। ICICI बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे से धनराशि किस अकाउंट में गई, इसके बारे में जानकारी करके जिन अकाउंट्स में ये धनराशि गई थी उन अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ये दोनों थाना ग्वालटोली और थाना कोतवाली, इनमें जो मुकदमे लिखे गए उनकी विवेचना संबंधित थानों से हो रही थी, लेकिन इसमें हमारे क्राइम ब्रांच की जो साइबर टीम है, साइबर सेल है, उसको इस दोनों घटनाक्रम में केसेस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। साइबर टीम जो क्राइम ब्रांच की है उसके एडिशनल DCP श्री मनीष सोनकर और उनके साथ में 4 टीमें अलग अलग लगी थी, इनके द्वारा अथक प्रयास करके जो 1.48 करोड़ की जो ओरिजिनल FIR में धनराशि गायब होने की शिकायत थी उसकी बृहद विवेचना करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया है और इन 6 अभियुक्तों से विभिन्न खातों में जो उद्योगों की धनराशि डाइवर्ट हुई थी उस धनराशि में से 90 लाख रुपया कैश बरामद किया है। इस धनराशि से अभियुक्तगणों द्वारा जो पैसा यूटिलाइज किया गया था, गाड़ियां खरीदी थी, वो 2 गाड़ियां भी बरामद की है। ये काफ़ी हाई एंड गाड़ियां हैं और इस पर भी लगभग 30-40 लाख रुपए का व्यय किया गया है। वेचना में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो अंतिम रूप से जिनके खातों में ये पैसा गया है उन खातों को फ्रीज करा के उनसे ये रिकवरी हुई है। जो पेमेंट गेटवे के साथ छेड़छाड़ हुई है इसकी विवेचना भी प्रचलित है, इसमें कई नाम हमारे रडार पे हैं, उनके संबंध में विवेचना प्रचलित है और जो ये सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके जो पेमेंट गेटवे से अमाउंट डाइवर्ट किए गए हैं इसमें जो लिप्त अभियुक्त होंगे उनके विरुद्ध भी भविष्य में हम कार्रवाई करेंगे।